नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में प्रदर्शन कर रहे पंचायत वार्ड सचिवों को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा। अवैध बालू खनन का मामला, बिहार में सहकारिता विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड। पटना लौटेंगे लालू यादव, सांसद परिसर में कोविड वैक्सीन लेने के बाद बिहार वापसी का बताया समय। अगस्त से बनेगा बकरी बाजार से पटना जंक्शन तक सबवे, रेल यात्रियों को सुविधा। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, मुजफ्फरपुर और सीवान में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बिहार के सभी मुखिया के लिए अच्छी खबर, 4 दिन में सबके अकाउंट में चला जाएगा पैसा। नीतीश सरकार ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को नहीं दे पा रही है प्रोत्साहन राशि, तेजस्वी ने विधानसभा में घेरा। ANM बहाली में फर्जीवाड़ा, पटना में दर्ज हुआ FIR, स्वास्थ्य विभाग में हुआ बड़ा खेल। बिहार में कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार जुटा रही है आंकड़ा। बिहार में कब दूर होगी डॉक्टरों की कमी, परिषद में सरकार ने दी यह जानकारी। बिहार में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य सरकार को किया अलर्ट। उचित मानदेय व सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर गुरुवार को पंचायत वार्ड सचिवों ने कारगिल चौक के पास प्रदर्शन किया और विधानसभा मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने वार्ड सचिवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस व वार्ड सचिवों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। इस कारण कारगिल चौक से लेकर पूरे गांधी मैदान इलाके में जाम की स्थिति हो गई थी। पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को पीछे करने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी फिर भी आगे बढ़ने लगे तो JP गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। इस दौरान भागने के क्रम में वार्ड सचिव JP गोलंबर व उसके आसपास के रेस्टोरेंट के बाहर लगे वाहनों पर चढ़ गए। इसके कारण कई बाइकें गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। बालू के अवैध खनन को लेकर कार्रवाई जारी है। खनन विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान बालू माफिया का साथ देने वाले सहकारिता विभाग के 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। सहकारिता निबंधक राजेश मीना ने पटना में तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत कुमार और मधुसूदन चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। दोनों खान निरीक्षक के पद पर तैनात है। खान एवं भूतत्व विभाग ने भोजपुर के खान निरीक्षक रंजीत कुमार और औरंगाबाद में उसी पद पर तैनात मधुसूदन चतुर्वेदी की सेवा उनके पैतृक विभाग सहकारिता को वापस कर दी थी। साथ ही इन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी। इसके पहले दोनों अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट दी गई थी। इन पर बालू के अवैध खनन में लिप्त लोगों को मदद करने और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप सही पाया गया था। लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार लौटेंगे, राजद सुप्रीमो ने इसकी जानकारी खुद दी है। गुरुवार को लालू यादव कोविड वैक्सीन की डोज लेने दिल्ली में सांसद परिसर पहुंचे। कोरोना का टीका लेकर राजद सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने वैक्सीन की पहली डोज ली। मीडिया से बात करने के दौरान वो सरकार पर जमकर बरसे। वहीं अपने बेटे व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनसे काफी आगे निकल गए हैं। गुरुवार को मीडिया से बात करने के दौरान लालू यादव ने उस सवाल का जवाब भी दिया जिसका इंतजार बिहार में उनके समर्थकों को लंबे अरसे से है। लालू यादव ने बिहार वापस लौटने पर खुलकर कहा। RJD प्रमुख ने कहा है कि उनकी तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो पहले से अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 महीने में वो पटना आने वाले हैं। पटना जंक्शन पहुंचने में यात्रियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए GPO समीप बकरी बाजार से पटना जंक्शन तक सबवे का निर्माण होना है। 410 मीटर लंबे सबवे निर्माण की प्रक्रिया अगले माह अगस्त से शुरू होगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। सबवे के निर्माण पर लगभग 62 करोड़ खर्च होंगे। पुल निर्माण निगम के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि GPO के समीप खाली जमीन बकरी मार्केट से पटना जंक्शन तक सबवे का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत होना है। सबवे निर्माण के लिए नगर विकास व आवास विभाग से सहमति मिली है। अब निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग में वज्रपात को लेकर अब नया अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से सीवान और मुजफ्फरपुर जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर और सीवान जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान
रहे, यदि खुले में है तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान के शरण ले, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहे। सिवान और मुजफ्फरपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के माध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा या ज्यादा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को नीतीश सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन प्रोत्साहन राशि लंबे अरसे से बिहार के छात्राओं को नहीं मिल पा रही है। इस बात का खुलासा बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में हुआ। दरअसल विधायकों ने इस मामले को जब सदन में उठाया तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 1.5 साल से प्रोत्साहन राशि उन छात्राओं को नहीं मिल पाई है जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है। सरकार के इस जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष भी सदन में उठ खड़े हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार यह कैसी योजना चला रही है जिसके तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कई सवालों के 8वें सत्र में रख दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हम लगातार इस योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद काफी देर तक विधानसभा में विपक्षी सदस्य सरकार से सवाल पूछती रही। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि केवल दिखावे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं का संचालन करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रोत्साहन राशि छात्राओं को मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में ढेर सारी नई नियुक्तियां हुई है, लेकिन इन नई नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। धीरे धीरे जब बात सामने आ रही है तो स्वास्थ्य विभाग खुद इस मामले में FIR भी दर्ज करा रही है। ताजा मामला कई जिलों के अंदर ANM के फर्जी बहाली से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में दूसरी प्राथमिकी पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार ने जिलों में 94 ANM के फर्जी आवंटन की शिकायत वाला FIR सचिवालय थाने में दर्ज कराई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्जी बहाली को लेकर FIR दर्ज कराई गई हो। इसके पहले भी फर्जी नियुक्ति को लेकर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। यह दूसरा मामला है जब फर्जी बहाली के प्रयासों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वालों ने 3 जून को जारी आदेश में 94 ANM की नियमित नियुक्ति का प्रयास किया था। इस नियुक्ति का खंडन स्वास्थ्य विभाग में किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। इसके पहले 27 मई के आदेश को भी स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी बताया था। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार के मुताबिक फर्जी आदेश के जरिए जालसाज लगातार ANM नर्सिंग की नियमित नियुक्ति कराने का प्रयास कर रहे थे। इसके खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बिहार में कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार सरकार अब आंकड़े जुटाने की कवायद कर रही है। राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में चलने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं अधिकारियों के बच्चे को ब्यौरा तलब किया है। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के DM और SP को निर्देश दिया है कि वह यह जानकारी जुटाने की सरकारी स्कूलों में कितने IAS और IPS क्लास 1+2 स्तर के पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस बाबत सभी जिलों के DM और SP को आदेश पत्र भेज दिया गया है। इसमें पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह इस बात की जानकारी दे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कितने IAS, IPS और अन्य अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से सभी जिलाधिकारियों से आंकड़ा इकट्ठा कर बताने का निर्देश दिया था। साथ ही टिप्पणी भी की थी कि जब तक अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार में डॉक्टरों की कमी का मामला एक बार फिर सदन के अंदर उठा। विधान परिषद में प्रश्न उत्तर काल के दौरान BJP के सदस्य संजय मयूख ने यह सवाल उठाया है। संजय मयूख ने यह जानना चाहा कि आखिर सरकार डॉक्टरों की कमी कब दूर कर लेगी। जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने यह बताया है कि डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही यह पूरी हो जाएगी बिहार में लगभग 6000 के आसपास में डॉक्टर मिल जाएंगे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर सदन में जब चर्चा हो रही थी तो प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला उठाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन से कई लोगों की मौत हो गई है और बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। प्रेमचंद्र मिश्रा के इस आरोप पर मंत्री मंगल
पांडे ने विधान परिषद में बताया कि राज्य के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। मंगल पांडे ने कहा कि महामारी के दौर में हमने जो भी संभव था उसमें बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया है। बिहार में लगभग 3 हफ्ते से कमजोर पड़ा मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और सूबे के कई इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मौसम विभाग के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य सरकार को अलर्ट लेटर जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी इस अलर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार के कुछ जिलों में बहुत ही भारी बारिश अगले कुछ दिनों में होने वाली है, जबकि कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।